आप देख रहे हो इसकी आईज, आईज के देखो कितनी प्यारी आईज है इसकी अमेरिकन बुली की। वो देख रहे हो सामने से एक डैशआउट निकल के आया इली का दोस्त। वो देख रहे हो, देख रहे हो लड़ाई, देख रहे हो क्या आपस में पूरी खतरनाक लड़ाई बच चुकी है। बाय बाय, बस जा रहे हम, कोई बात नहीं, फिर आएंगे। बाय। मेरे भाई है स्टैन, उनका डॉग है। तो चलिए ज्यादा समय लेते हुए अभी कुछ एक पुरानी वीडियो एडिट कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ से निकलते हैं स्टैन भाई के यहाँ पर, और सुबह सुबह आज हम ब्लॉग को शूट करने लगे हैं। सो मेक श्योर टू वॉच पूरा ब्लॉग। सो गाइस, आज जो है मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि है वाओ लाइफ साइंस का क्रेल ऑयल। इस प्रोडक्ट में जो है आपको मिलता है DHA, EPA और ओमेगा 3, जो कि जो है आपको हेल्प करते हैं हार्ट हेल्थ मेंटेन करने में, जॉइंट हेल्थ मेंटेन करने में और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में। इस पैक के अंदर जो है आपको 30 सॉफ्ट जेल कैप्सूल मिलते हैं जो कि आप जो है या तो ब्रेकफास्ट के बाद या फिर लंच के बाद जो है आप ले सकते हैं। इसका हर एक कैप्सूल जो है 500 mg का है और हाँ, ये जो है ग्लूटेन फ्री भी है। और आपको जैसे पता है वाओ के सारे प्रोडक्ट जो है क्वालिटी फ्री है, और हाँ वाओ के प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए आपको जो है यहाँ पे ऊपर वाओ का एक स्कैन कोड भी मिला होता है, आप इसको स्कैन करके वाओ की ऐप पे जाके इसकी ओरिजिनलिटी चेक कर सकते हैं। और हाँ, इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दिए हुए हैं, आप वाओ की ऐप से भी इसको जो है ऑर्डर कर सकते हैं। और फर्दर डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड पुलकित यूज़ करें। बस सब एवरीबॉडी, सो अभी फिलहाल जो है मैं पहुंच गया हूँ मेरे दोस्त के यहाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आज इंडिया का सबसे बड़ा हस्की जो हो सकता है मैं वो दिखाने वाला हूँ, और साथ में मेरे ओरियो आए अपने फ्रेंड से मिलने हैं। ओरियो तो एकदम इतना है ना, सबसे तो फ्रेश फील कर रहा है और एक्साइटेड सा फील कर रहा है। तो अभी बस पहुँच गए हैं और अभी वो नीचे उतर रहा है मेरा भाई उसको लेकर, सो आज आपको वो दिखाते हैं। ये देख रहे हो, ओए ओए, अभी नीचे उतर के ना दिखाता हूँ ओरियो को, भी मैंने पकड़ रखा है। हेलो सुल्तान, सुल्तान कैसे लगे थे, जैसे बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। तो ये देख रहे हो, सुल्तान और ओरियो एक दूसरे को पहचान रहे हैं, देखते हैं लगता है। ओए हाँ, तो ये है सुल्तान, आप इसका भी साइज देख सकते हो, इसका बॉन साइज देख सकते हो, और फिर भी ओरियो का जो पंगा लेने का ज़्यादा है वो भी आप देख ही सकते हो। सो गाइस, बेसिकली सुल्तान जो है, मैं इसको दावा कर सकता हूँ कि इंडिया का जो है सबसे बड़ा हस्की हो सकता है एज पर हस्की। इसका सब बॉन साइज है और इसकी जो देखिए कोट है वो फुल टू लॉन्ग कोट है। हेलो हेलो, देखो मेरे जितना ऊँचा है। जब सुल्तान आया था ये, तब की अगर मैं क्लिप्स आपको भी अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, शुरू से जो है सुल्तान बहुत ज़्यादा हैवी बोन साइज, और ग्रोथ जो पीरियड है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये जो है हमारे स्टैन भाई का है। सो स्टैन भाई कैसे हो? सुबह सुबह स्टैन भाई इसको ऑलमोस्ट लगा लो तुम 5-6 किलोमीटर तो इसको डेली वॉक कराते ना, 5-6 किलोमीटर इसकी डेली वॉक है। और इसके साइज देखना, अच्छा इधर देखो, और अभी ना सिर्फ ये सिर्फ 9 मंथ्स का है, और 9 मंथ में इसका साइज आप देख सकते हो। और जब ये एक साल का हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा, जब पूरी ग्रोथ इसका टाइम पीरियड होगा पीक पे, तब सोचे कितना बड़ा और कितना मैच्योर और दिखेगा। अभी फिलहाल निकलते हैं, इसको घुमाते हैं, ओरियो को भी ले लेते हैं। इधर इधर हाँ, खुल्ला ही घूमेंगे भाई। वैसे ना इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये जो खुला ही रहता है पूरे दिन घर पर, और खुला ही घूमता है। इसको ऐसे चेन करने की, टाई करने की जरूरत नहीं है। हमारे ओरियो को थोड़ा सा जरूरत पड़ती है क्योंकि भाग जाता है। थोड़ा सा और इसके एक दोस्त भी बुला, दोस्तों को बुलाया इसके, अभी इसके दोस्तों को बुलाते हैं। वो देखना उसके मुंह पे खड़ा है भाई, इसके मुंह पे खड़ा है, देख के देख क्या कर रहा है। तो हमने ओरियो को भी खुला छोड़ दिया, लेट्स सी। देखो ओरियो तो कहाँ निकल रहे हैं, देखो देखो ये देखो आप देख सकते हो अलग अलग ब्रीड के, बट इनकी एज जो है सेम है, 9 मंथ्स के हैं दोनों के दोनों। आ जाओ सुल्तान, सुल्तान किसी देख रहे हो
बेसिकली ना सुबह सुबह ना मैं वैसे बहुत कम उठता हूँ, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन दीज डेज, मैं थोड़ा रात को लेट सोता हूँ, बट अब सुबह सुबह जब आप उठते हो ना आपको इतना फ्रेश फील होता है, तो हवा इतनी अच्छी है, हमारे यहाँ साइड तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हवा अच्छी है, और सुबह सुबह डॉग जब आपको थेरेपी मिलती है तो आपका जो माइंड स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। तो मेरे हिसाब से जो इंसान जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है उसको एक डॉग तो घर पर रखना चाहिए, फैमिली मेम्बर उसका बहुत अच्छे से पेरेंट्स की तरह ध्यान रखना चाहिए, तो आपको ऐसा फील मतलब स्ट्रेस वाला फील नहीं होगा, आप स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। अच्छा इसकी आईज दिखाते हैं हम आपको, जो जो इसकी आईज हैं वो दोनों ऑड है, दोनों ये देखो आईज देख रहे हो, आईज देखो दोनों आईज जो हैं वो ऑड है, एक तो ब्लू है और एक रेड ब्लैक टाइप की आईज है इसकी, तो हस्की में वैसे ऑड आईज बहुत ज़्यादा वो है, तो देखो बहुत ज़्यादा लोग ना इसको आस्कन भी कह सकते हैं, बट असलियत में ये एक प्योर हस्की है, इसकी आईज से पता लग रहा है, यू नो जेनेटिकली ये हस्की है, ही इज़ वेरी स्मार्ट, मतलब 9 महीने के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इसमें स्मार्टनेस है, और अपने मालिक के साथ इसका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतना मेरा और ओरियो का नहीं है, क्योंकि मेरा और ओरियो का थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मैं बहुत ट्रैवल करता रहता था पहले और ओरियो से मैं बहुत कम मिलता था, बट अब जो है ओरियो को साथ रहने की वजह से मेरी भी और ओरियो की बॉन्डिंग जो है बन रही है। तो अभी वो देख रहे हो सामने से एक डैशहाउंड निकल के आया है, इसी का दोस्त ओरियो को ओरियो जो है उसके साथ मेल मिलाप करता है, ये तो इसका सुल्तान के तो फ्रेंड है, और अभी एक दूसरे देख रहे हो फाइट देख रहे हैं आपस में, फाइटिंग बस महाराज बस बस करो, ओरियो को सारा का सारा देखा गिल्ला कर दिया है, देखो देख रहे सुल्तान के ऊपर बिठा के देखते हैं ओरियो को, तो एक तो जब ये घूमता है ना इसका तो अलग ही फील आता है, एक नॉर्मल हस्की जब आप देखेंगे नॉर्मल शॉर्ट कॉटेड हस्की जो होता है वो बहुत नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ का होता है, बट इसके साइज़ की अगर हम बात करें और इसकी एज की बात करें 9-10 महीने के एज के हिसाब से इसका साइज़ जो है ग्रोथ पीरियड टाइम बहुत अच्छा, और पहले जैसे आपको बताया था आपने देखा बच्चे के टाइम से बहुत ज़्यादा अच्छा था, और देख रहे हो देखो देखो ये सुल्तान सुल्तान। तो अभी रिसेंटली सुल्तान जो है कुछ सॉन्ग्स में भी आया है, पंजाबी सॉन्ग्स के अंदर भी ये फीचर हुआ है, वो सॉन्ग ओए बस 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 वो सॉन्ग्स भी बहुत जल्दी जो है मार्केट में आ जाएंगे, और आप समझ जाएंगे जब भी आप उन गानों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारे वाला सुल्तान ही है। तो अभी जो है यहाँ पर एक जर्मन शेफर्ड रहता है मेरे जिसके जो सुल्तान के फ्रेंड्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको डैशहाउंड दिखाया, अभी यहाँ पे एक जर्मन शेफर्ड भी रहता है, तो अभी जर्मन शेफर्ड को बुलाते हैं, वो आएगा और देखना सुल्तान तो पता नहीं भाई, लेकिन अभी ओनर सो रहे हैं, हम गेट खोल के सुल्तान को अंदर डाल देंगे, बंदा हुआ है अच्छा देख लेते भाई सुल्तान को अंदर डालने लगे। सबसे पहले तो जतिन भाग है बाद में दोनों भागे, सबसे पहले तो जतिन भाग है कैमरा पकड़ के, ओरियो को भी खतरा है ना जर्मन शेफर्ड से, कभी जर्मन शेफर्ड ओरियो को पकड़ ले, इसको अंदर करते भाई जर्मन को, देखो भाई जर्मन शेफर्ड और इसका आप साइज देख लो, हाँ जर्मन शेफर्ड देखो अपनी फुल साइज में है, रिचार्ज वाल कर वाओ, और वो भी तो ये 10 महीने का है, और इसके साइज की देखना, ओए ये पीछे से देख रहे हो वो सामने मोर बैठे हैं, और अभी सुल्तान को छोड़ते हैं, लेट्स सी सुल्तान का क्या रिएक्शन रहता है मोरों को लेके, वो देख रहे हो मोर के पीछे लग गए सुल्तान, ये देख रहे हो मोर, ये देखना सुल्तान को, देखना सुल्तान को, एक तो देखो देखो ऊपर चढ़ने का शौक अलग ही है इसका, कहाँ जा रहा है ऊपर कहाँ बैठा है सुल्तान। सबसे पहले तो यार यहाँ का आप मौसम देखो, ठीक है मौसम के बाद जो है वहाँ पर अभी आपको मोर भी देखने को मिलेंगे, और मोरों की आवाज़ें भी आ रही है यहाँ पे अभी बढ़िया, देख रहे हो वो ये होती है नेचर, और साथ ही साथ ओरियो को तो अभी हमने फिलहाल बांध दिया है। अगर मैं सुल्तान के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे लोगों का आपको लगेगा कि सुल्तान जो है कोई और ब्रीड में है, हस्की नहीं है, सुल्तान इज़ हस्की, हस्की का बेसिकली कुछ चीज़ें होती है जो पैरामीटर्स मेरे को लगता है आइज़ के होते हैं,
कोट का होता है, ठीक है, और मार्किंग का होता है, सारी की सारी जो है पैरामीटर जो है वो हस्कीज के ही हैं। तो सुल्तान का साइज इतना बड़ा उसकी ग्रोथ उसकी यू नो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, उसके मदर फादर कैसे थे, कितने बड़े थे, और एक लॉन्ग कोटेड होने की वजह से वो थोड़ा सा और ज़्यादा ह्यूज दिखता है। सो स्टैन भाई, तुम इसको डाइट क्या देते हो थोड़ी, क्योंकि जिस हिसाब से ये ह्यूज है कुछ अलग डाइट खाता है या नॉर्मल जो मतलब एक नॉर्मल डॉग को देते हैं? मैंने स्टार्टिंग में इसका रॉयल कैनिन से स्टार्ट किया था। ओके। ये छोटा था। हाँ हाँ। तो मैं एक 4 किलो का पैकेट लेके आया जो पप्पी वाला स्टार्टर होता है। हाँ हाँ। इसने वो एक पैकेट तो पूरा खाया, दूसरा पैकेट इसका इसने खाना बंद ही कर दिया वो। अच्छा। उसके बाद से फिर मैं इसको पनीर पे ले आया था। हाँ हाँ। कि पनीर और लस्सी पीता था ये। अच्छा। फिर बाद में 3-4 महीने का हुआ तो इसने जैसे हाँ। चिकन स्टार्ट किया तो उसके बाद से इसको मैं होम मील ही देता हूँ। अच्छा। इसका नॉर्मली लगाओ 1.5 किलो चिकन लेके आता हूँ तो 2 दिन चलता है वो। वाओ। और साथ में 200 ग्राम 400 ग्राम पनीर इसका 2 दिन में हो जाता है। क्या बात है यार, बहुत सही डाइट है इसकी, तभी तो एक तो ये साइज मेंटेन करा हुआ है और एक इसका कोट मेंटेन करा हुआ है। ओए, तो आप सभी को आने वाले व्लॉग्स में ना सुल्तान दिखता ही रहेगा, जब भी आपकी डिमांड आएगी हम सुल्तान के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे। और अभी एक पार्टी वगैरह में चलेंगे सुल्तान को भाई लेके, कोई डॉग पार्टी में या डॉग शो के अंदर। वाह सुल्तान सुल्तान, हाँ हाँ, सुल्तान को खड़ा करिए भाई, देखते तेरी कितनी कितनी हाइट तक आता है। ये देखना ये देखना, देख रहे हो कितना बड़ा साइज है भाई इसका, पूरा ऑलमोस्ट 5.5 फीट के करीब का है भाई ये, 5.5 फीट मैन, वाओ, देख रहे हो 5.5 फीट के करीब का है ये, 5.5 फीट होगा ये। फिर से जो है डैश आउट आ गया है यहाँ पर, और एक वो देखो देख सकते हो अमेरिकन बुली दौड़ता हुआ आ रहा है, और पूरी स्पीड में अमेरिकन बुली फुट गया, वो दूर से आके मुड़ गया, वो देख रहे हो। तो आप सभी को मैं अभी एक अमेरिकन बुली और एक डैशहाउंड की जोड़ी दिखाता हूँ, बहुत ही खतरनाक कोल। हाँ, तो ये देख रहे हो अमेरिकन बुली, ये अमेरिकन बुली है, ओए कितने प्यारी है, देख रहे हो ब्लू आईज है इसकी अमेरिकन बुली की, और ये अभी और तो इसकी जो आईज है वो देख रहे हो हेजल आईज है, पकड़ना उसको भाई अमेरिकन बुली की, उसकी आईज दिखाते हैं। देख रहे हो ये, देख रहे हो पूरी गैंग इकट्ठी हुई हुई है यहाँ पे, ये देखो ये भी गैंग है। हाँ भाई अपनी आईज दिखाओ, ये देख रहे हो पूरी गैंग को, देखो डैश आउट के पीछे लगा हुआ हो रही हो, तो ये देखना सारे के सारे पागल हो गए हैं एक दूसरे के पीछे भागते भागते, वो देखो झाड़ियों के अंदर घुसे हुए हैं। ओए वो देख रहे हो, वो देख रहे हो, वो देख रहे हो, देख ये देखना चारों के चारों को देखना क्या हरकतें कर रहे हैं। तो ये अभी स्टैन भाई लेके आया है इसकी, ओए आया है, हाँ इसकी आईज देखो आप, देख रहे हो इसकी आईज, आईज के देखो कितनी प्यारी आईज है इसकी अमेरिकन बुली की, और इसकी तो हमारे भाई हस्की की तो है ही। बाय बाय सुल्तान, अब सुबह हो गई है दिल निकल चुका है सुल्तान, बाय 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 कर दे, चलो अभी गाड़ी में बैठो तुम्हारे को दिखाता हूँ सुल्तान कैसे बाय बाय करता है, चलो चलो। तो अभी देखना सुल्तान आ रहा है, और सुल्तान हमारे को सी ऑफ करने आ रहा है, सुल्तान बाय बाय सुल्तान सुल्तान बाय बाय कर दे, बाय बाय बाय, उसने सारे बाय बाय, बस जा रहे हम, कोई बात नहीं, फिर आएंगे फिर आएंगे फिर आएंगे, बाय बाय सुल्तान। सो विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, और नेक्स्ट व्लॉग जो आ रहा है हम सुल्तान को लेके जो है डॉग शो में जाने लगे, एंड मेक श्योर टू वॉच दैट व्लॉग, यहाँ जो नीचे है लाल कलर का बटन आ रहा होगा, मेक श्योर उसको दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।